नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त शुभम शुक्ला, और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सबसे लास्ट टैब व्यू टैब के बारे में। जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है, सबसे पहला ग्रुप है वर्कबुक व्यूज़। वर्कबुक व्यूज़ का मतलब है कि हम अपने जो डॉक्यूमेंट या फिर अकाउंटिंग बोल सकते हो, जो पेज है उसको किस तरीके से देख सकते हैं, मतलब कितने प्रकार से देख सकते हैं, वो सारे व्यू यहाँ पर नज़र आते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल, जो कि हम नॉर्मली ही देखते हैं और नॉर्मल लगा भी रहता है। देन सेकंड है पेज लेआउट। पेज लेआउट व्यू क्या होता है? पेज वाइज देखना, मतलब जैसे कि पेज लेआउट व्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक्सेल जो होता है वो पेज वाइज दिखाई पड़ता है। जैसे एक पेज ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर आपको ऐसा पूरा नहीं दिख पा रहा है तो यहाँ पर जूमिंग में जाकर के कुछ थोड़ा सा जूम कम करिए। जैसे कि 100% यहाँ पर लगा हुआ है तो जूम टू सेक्शन में जाएं, यहाँ पर तो फुल लगा है। इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम 50% करते हैं और ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीन पेज एक साथ शो हो रहे हैं, मतलब पेज लेआउट मतलब क्या है कि एक्सेल को पेज वाइज शो कराना। ओके, नाउ देन हम फिर नॉर्मल कर देते हैं। फिर पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है? बेसिकली जो चीज़ हमने सेलेक्ट करी होती है वो चीज़ हमारे पेज ब्रेक प्रीव्यू पर नज़र आती है, और वहाँ से हमारा ब्रेक लग जाता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू पर हम देखिए क्लिक करते हैं और ये चीज़ सेलेक्ट वाली नज़र आती है हमको। ओके, यहाँ से पेज ब्रेक प्रीव्यू हमें नज़र आता है। देन फिर नॉर्मल पे आते हैं और आते हैं कस्टम व्यू। कस्टम व्यू क्या होता है कि हम अपने एक्सेल को विभिन्न प्रकार के व्यू में सेव कर लें, मतलब हमारे बने बनाए व्यू। ये तो हो गए खुद के एक्सेल के, खुद एक्सेल बनाता है। जैसे कि लास्ट एक और है फुल स्क्रीन व्यू। फुल स्क्रीन में सारे रिबन वगैरह गायब हो जाते हैं, ये एक व्यू है जो कि फुल स्क्रीन में दिखाई पड़ता है। और अपने आप से अगर हम कोई व्यू तैयार करना चाहें तो कस्टम व्यू के थ्रू हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने ये एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे हमने क्या करा, यहाँ पर कुछ भी लिखा है और एक एरिया सेलेक्ट कर लिया इतना सा, और हम गए कस्टम व्यू पे। यहाँ पर हमने इस व्यू को ऐड करा दिया। अब ये व्यू जो ऐसा कि हमारा पेज अभी शो हो रहा है, इसी तरीके से जो है सेव हो जाएगा। ऐड पे जाकर क्लिक करेंगे, इसका जैसे नाम दे दिया ए, कुछ भी आप दे सकते हो। यहाँ पर हमने ए नाम से इसको सेव कर लिया है, ओके कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कुछ इसमें बढ़ाएंगे। जैसे इसको एक ले लिया एरिया को, यहाँ पर हम कोई मान लिया सेब डाल देते हैं इस तरीके से, कोई एक ये सेब हमने डाल दी है। ठीक, और यहाँ पर फिर से आए व्यू में, कस्टम व्यू में गए हमने, इसको एक सेब जो अलग से डाली है इस व्यू को। अब ये देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें शो हो रही हैं, मतलब एक ये लिखा हुआ भी शो हो रहा है और ये सेव भी है, और इस व्यू को हमने बी नाम से सेव कर लिया। ठीक, अब हम जाते हैं कस्टम व्यू पे फिर से, और यहाँ पर हम अगर ए पे क्लिक करें और फिर शो पे क्लिक कराएं तो देखिए, हाँ ये हमने एरिया सेलेक्ट किया था जब हमने ए नाम से सेव कर रहे थे, तो ये फिर से सेलेक्ट हुआ, उतना ही आ गया कस्टम व्यू के थ्रू। अगर हम कस्टम व्यू पे जाते हैं और बी से सेलेक्ट करते हैं और उसको शो कराते हैं तो जो हमने सेव इंसर्ट कराई थी उस टाइम पर कैसा व्यू इस तरीके से दिख रहा था। ये एरिया सेलेक्ट नहीं था, पीछे का एरिया सेलेक्ट था और ये सेव ऊपर थी। तो इस तरीके से हम अपने व्यू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जिस तरीके से सेव करना चाहें और उन्हें सेव करा सकते हैं। फिर है शो हाइड ग्रुप। शो हाइड ग्रुप में बहुत सारी चीज़ों को कैसे दिखाना चाहिए, नहीं दिखाएं, उसके लिए है। सबसे पहले है रूलर। अगर रूलर पे हम टिक लगा रहे, रूलर पर टिक लगा रहता है बेसिकली ज़्यादातर, तो रूलर जो है ये ऑन रहता है। अगर हमें ग्रिड लाइंस, जो ये सारी ग्रिड लाइंस दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, ये इस तरीके से ग्रिड लाइंस, अगर हमें हटाना चाहें तो ग्रिड लाइंस पर से टिक हटा दें और ये ग्रिड लाइंस हट जाती हैं। ओके, फिर है फार्मूला बार। जो हमारा ये फार्मूला बार दिख रहा है, अगर इसको हम चाहते हैं हटा दें तो इस पर टिक करते हैं, देखिए फार्मूला बार हट चुका है। ठीक, लाना चाहते फिर ला सकते हैं। हेडिंग, हेडिंग क्या होती है, मतलब जैसे कि रो वाली हेडिंग ये है, कॉलम वाली हेडिंग ये है, इनको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। ओके, इस तरीके से हट जाती हैं। फिर हमारा है जूम। हमारा जो एक्सेल को जूम करना हो, जैसे जूम पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जितना चाहें उतना जूम, मतलब 200% है, या फिर कस्टम में यहाँ पर डाल करके कुछ भी नंबर दे सकते हैं। 200% जूम करेंगे तो काफ़ी जूम हो जाएगा, इस तरीके से दिखेगा। और हम चाहें तो 100% फिर ला सकते हैं। ठीक, नॉर्मली 100% होता है। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं नॉर्मली डॉक्यूमेंट कितना जूम रहता है, 100% रहता है। जूम टू सेक्शन बिल्कुल एकदम फुल टू जूम करना हो तो जूम टू सेक्शन पर क्लिक करने, बहुत 500% तक जूम हो जाता है।
ओके क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम कितना जूम किया जा सकता है, तो 500% करा जा सकता है। ओके 100% कर देंगे फिर से। देन आफ्टर दैट न्यू विंडो, न्यू विंडो मतलब अभी एक विंडो खुली हुई है, अगर हम नई विंडो लेना चाहते हैं तो न्यू विंडो पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए एक न्यू विंडो और आ चुकी है, बुक वन की बुक टू। ओके इस तरीके से, और इन दोनों को अरेंज कराना हो तो अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देखिए टाइल्ड अभी जो लगी हुई है ये टाइल्ड है, अगर हम हॉरिजॉन्टली दोनों को अरेंज कराना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टली अरेंज हो चुकी हैं ऊपर नीचे, ठीक। और अगर हम इसको दूसरे क्रूज किसी तरीके से अरेंज करना चाहें, वर्टिकली अरेंज करना चाहते हो, ओके करेंगे। अब देखिए वर्टिकली अरेंज हो चुकी हैं। फिर उसके बाद में है कास्केड, कास्केड में एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं जैसे ये इस तरीके से कास्केडिंग मोड। ओके फिर है हमारा फ्रीज पेंस। फ्रीज पेंस क्या होता है, जैसे कि अभी हमने क्या करा कि एक कोई रो सेलेक्ट करी, ठीक, और हम क्या करते हैं, चलो पहले कुछ यहाँ पर लिख देते हैं ताकि अच्छा सा समझ में आ जाए इस तरीके से। और इसको जाते हैं, हम होम पे गए, इस एरिया को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम इसको मर्जन सेंटर कर दिया, ठीक। अब हम आते हैं फिर से एक इसको रो को सेलेक्ट किया और व्यू में आए, हमने इसको फ्रीज पेंस में जा करके फ्रीज कर दिया, मतलब ये फ्रीज हो जाएगा यहाँ पर। ये ऊपर नीचे आप और कुछ करेंगे, इसके ऊपर का एरिया जो है वो फ्रीज है, वो नहीं बढ़ने वाला, बाकी सारा नीचे का एरिया जो है स्क्रॉल हो जाएगा, ठीक। अब ये फ्रीज हो चुका है, अब हम क्या करते हैं कुछ यहाँ पर नीचे जो है और थोड़ा पेज तक ही बढ़ जाए, और एंटर करते हैं इस तरीके से, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये पेज स्क्रॉल होता है तो ये एरिया देखिए नीचे इसके जा रहा है, लेकिन ऊपर का कुछ भी अगर हो, जैसे कि हम इस पर कुछ लिख दें, नहीं तो आप देखिए ऊपर वाला वैसे ही है और नीचे वाला जो है स्क्रॉल हो रहा है। ओके ऊपर वाला फ्रीज हो चुका है, तो इस तरीके से फ्रीज का यूज़ करते हैं। ओके फिर अगर ऐसे जा करके अनफ्रीज कर दें तो अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक। फिर स्प्लिट, स्प्लिट क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे हमारा कर्सर होता है वहाँ से पेज को स्प्लिट कर देता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अपने कर्सर को रखे हैं और स्प्लिट पे क्लिक करें, अब देखिए यहाँ से जो है हमारा पेज स्प्लिट हो चुका है, ऊपर कुछ भी जो है लिखते हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर भी वो लिखता जाता है, इसको ऊपर करेंगे तब देखिए सो होता है, ठीक। अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिखें तो वहाँ यहाँ भी लिखेगा, पेज को स्प्लिट करने के लिए बेसिकली यूज़ करा जाता है। अगर हम स्प्लिट पर से हटा दें फिर से अनस्प्लिट हो जाएगा। हाइड क्या होता है, जैसे कि अगर हमारी विंडो जो हम काम कर रहे हैं उसको हटाना, हाइड कराना हो, जैसे दो विंडो थी बुक वन वन की बची, बुक वन टू वाली जो है वो हाइड हो चुकी है, अनहाइड करें तो फिर से आ जाएगी। भाई बुक वन टू को पूछ रहा है कि आप अनहाइड करना चाहते हैं, ओके करेंगे तो ये अनहाइड फिर से हो जाएगी। फिर क्या है, अब देखिए दो विंडो खुली हुई हैं, इनको देखने के तरीके हैं व्यू साइड बाई साइड। अगर हम व्यू साइड बाई साइड पर क्लिक करते हैं तो दोनों ही विंडो खुल जाती हैं, और किसी पर भी हम कुछ भी लिखते हैं तो दूसरे पर भी लिखता है। ओके और इसको अगर हम यहाँ पर एक ऑप्शन जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, जैसे क्या है कि अगर हम इसको स्क्रॉल कराएं तो देखिए दोनों चीज़ें स्क्रॉल हो रही हैं दोनों तरफ की विंडो इस तरीके से। हाँ अगर हम ये चाहते हैं कि दोनों स्क्रॉल ना हो, अगर स्क्रॉल कराएं तो यही स्क्रॉल हो, तो हम जा करके सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को जो है हटा देते हैं। अब स्क्रॉल कराएंगे तो फर्स्ट वाली स्क्रॉल होगी। ओके फिर क्या है, जैसे हम चाहते हैं कि पूरी विंडो हमको दिखनी चाहिए और हम गए यहाँ पर इसको पूरा कर लिए, लेकिन अब हम कुछ काम करें यहाँ पर लेकिन फिर हमको चाहिए वो दूसरी वाली विंडो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे रिसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो दूसरी वाली विंडो भी हमको शो करने लगेगा। ओके फिर इसके बाद में है अगला ऑप्शन है सेव वर्क स्पेस। इसको बताने से पहले इसको बता दें क्योंकि ये विंडो वाला है, स्विच विंडो पर जाएंगे। अगर जैसे हम मान लिया बुक वन वन पे काम करो, जैसे मान लिया कि ये फुल है, इसको हम फुल व्यू में देख रहे हैं, फिर हम स्विच विंडो पे आएंगे। अगर हमको चाहिए जैसे अभी ये बुक वन टू ओपन है, हमको बुक वन वन चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे, बुक वन वन पे आ जाएंगे, ठीक। स्विच विंडो का काम यह है। फिर क्या है सेव वर्क स्पेस क्या है, बेसिकली देखिए यहाँ पर दो विंडो पहले खुली हुई हैं, इनको बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं सेव वर्क स्पेस। सेव वर्क स्पेस में जैसे मान लिया कि अभी बुक वन का सीट वन ओपन है, ठीक, और हम क्या करेंगे इसको हम जाकर के किसी नाम से सेव करा लेंगे। यहाँ पे गए सेव एज और हमने इसको नाम से सेव करा लिया ए, आप देखते जाइए बिल्कुल समझ में आ जाएगा फुल तरीके से।
अब हम कंट्रोल एन से एक नई सीट लेते हैं, नई बुक लेते हैं और यहाँ पर कुछ भी टाइप करा देते हैं और इसे भी किसी अन्य नाम से सेव करते हैं। ठीक, यहाँ पे गए सेव एज और इसका भी नाम हमने दे दिया, माना कि बी दे दिया, ओके कर दिया, अब ये सेव हो गई। फिर इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारी विंडो जो सेव है, अब इसको सेव वर्क स्पेस पे जा करके इसका कोई नाम दे देंगे, जैसे कि हमने नाम दे दिया माय स्पेस, ओके माय स्पेस, ठीक, इस तरीके से हमने नाम दे दिया इसका और जाकर के सेव करा दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा कट करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर दिया। अब फिर से आते हैं और हम एक्सेल को सर्च कराते हैं, एक्सेल 2007 और ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो हमने माई वर्क स्पेस नाम से सेव करा था, देखिए माई स्पेस, और हम इसको जो है ओपन करते हैं। अब देखिए ये ओपन हो रहा है, लेकिन इसके साथ में ए और बी दो वर्कबुक ओपन हो रही हैं, क्योंकि हमने इनको भी साथ साथ में सेव करा था। तो माई वर्क स्पेस इज ए पावरफुल टूल जिसके तहत हम कोई भी वर्कबुक पे, एक दो तीन, जैसे मान लें कई वर्कबुक एक साथ हम काम कर रहे थे और उनको अचानक बंद करनी है, तो माई वर्क स्पेस में जा करके हम सेव करा सकते हैं और वो सभी एक साथ ओपन हो जाएंगी, तो एक अच्छी चीज़ है ये। देन आफ्टर हमारा लास्ट में बचता है मैक्रो। मैक्रो क्या है, बेसिकली कोई भी रिकॉर्ड अगर हमको बार बार कराना हो तो हम मैक्रो में रिकॉर्ड करा देते हैं। ठीक, ताकि दोबारा से जब हमें अगर अचानक से सब वही रिकॉर्ड बार बार जो काम कराना हो, वो मैक्रो में रिकॉर्ड हो जाने के कारण जब हम उसको ऑन करते हैं तो वही रिकॉर्ड हमारा प्रिंट हो जाता है या फिर वही रिकॉर्ड हमारा शो हो जाता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे आए, पहले मैक्रो पे गए और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, यहाँ पे कोई नाम दे दिया मैक्रो वन नाम से, जैसे अगर चाहते हो तो अपने नाम से कुछ भी दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो उसके बारे में, और ओके किया। अब यहाँ पे हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। हम क्या करेंगे, चलो गिनती लिख लेते हैं, 2, 3 और यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5, 6, 7, 8, 9 ओके, हमने यहाँ पर 9 तक की जो है गिनतियाँ लिख ली हैं। ठीक, अब हमको चाहिए, यहीं पे गए माइक्रो पे जो हमारा चल रहा था रिकॉर्डिंग, इसको स्टॉप कर दिया। ठीक, अब हम जरा कोई नई सीट पे आते हैं, यहाँ पे आए और हमको वही रिकॉर्ड मैक्रो वाला जो है वो हमें देना है। व्यू मैक्रो पे गए और मैक्रो वन नाम से हमारा रिकॉर्ड सेव है, रन पे गए और यहाँ देखिए ऑटोमेटिक ये तुरंत आ गई है 1 से 9 तक की। इस तरीके से बड़ा सा रिकॉर्ड भी हम मैक्रो में रिकॉर्ड करा करके और उसे सेव करा सकते हैं, तो आसानी हो जाती है कोई नया रिकॉर्ड देने में। वीडियो पसंद आया हो, चूँकि अब व्यू टैब समाप्त होता है यहीं पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी ख़त्म हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन सी चीज़ के बारे में जानना है। पसंद आया हो तो शेयर भी करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं एक एक करके, और अभी एक्सेल है, देन आफ्टर दैट इसके बाद पावर पॉइंट आने वाला है, और आप बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आपको लगता है कि अगर ये वीडियो किसी के काम आने वाला है, जो लोग आपके खास हैं, तो उनको अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।